हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल गार्डन दोस्त में। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ सीजनल प्लांट, जो कि दोस्तों मुझे मिल गए हैं एकदम से बेहतरीन टाइम में। तो ये जो टाइमिंग है दोस्तों, बेस्ट टाइमिंग होता है सीजनल प्लांट को ग्रो करने का। अगर आपको इस टाइम सीजनल प्लांट मिल जाए तो तुरंत ले लें और उसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर ये डायंथस हैं, तो मैंने इनको ग्रो कर लिया। दोस्तों ये जो प्लांट होते हैं काफ़ी अच्छे प्लांट होते हैं और काफ़ी अच्छी ये ब्लूमिंग करते हैं, तो मैंने इन्हें ग्रो किया है दोस्तों इस टाइप की कंटेनर में। तो इन्हें ज़्यादा बड़े पॉट की रिक्वायर नहीं होती दोस्तों, ये छोटे छोटे पॉट में काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसको इसमें ग्रो किया है। तो दोस्तों इधर ये पिटूनिया का प्लांट है, इसको मैंने इसमें ग्रो किया है। इसका कलर अभी नहीं पता दोस्तों किस कलर का है, इस पर वर्ड्स बनी हुई है, तो जब फ्लावरिंग होगी तो दोस्तों हमें पता चलेगा कि किस कलर का है। और दोस्तों एक इधर मैंने ये बड़ी से बकेट में इसको ग्रो किया है, ये भी पिटूनिया है, थोड़ा स्पेंट सा हो रहा है दोस्तों, तो ठीक हो जाएगा कुछ टाइम बाद। अभी हमने इनको रिपोर्ट किया है तो वो वीडियो तो मैं नहीं बना सका, तो दोस्तों थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा सेट होने में, एडजस्ट होने में हमारे गार्डन में, तो ये ठीक हो जाएंगे। इधर एक ये है दोस्तों, वाइट कलर का है, इस पर फ्लावरिंग हो रही थी, ये इसका जो फ्लावर है स्पेंट होने लगा है। तो दोस्तों ये जो प्लांट है काफ़ी अच्छे प्लांट होते हैं। एक इधर ये पिटूनिया का है और दोस्तों एक इधर मैंने इस टाइप के पॉट में इसको ग्रो किया है, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये जब लगेगा दोस्तों, जब इस पर ब्लूमिंग होगी और थोड़ी इसकी ग्रोथ वूसी सा प्लांट ये जब बनकर आएगा, तो इस तरह से मैंने आज इनको रिपोर्ट कर लिया है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको इनको कैसी सॉइल चाहिए और दोस्तों क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि ये जो प्लांट होते हैं सीजनल काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे और काफ़ी अच्छी भी ये ब्लूमिंग भी करेंगे। तो दोस्तों मैंने जो पहली बात तो दोस्तों इनकी सॉइल जो होनी चाहिए एकदम वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिच होनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने क्या क्या किया और जो खास दोस्तों इनकी सॉइल बनाई जाती है पिटूनिया प्लांट की और डायंथस की, तो सैंडी सॉइल ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। जितनी सैंडी सॉइल ये आपकी होगी तो आपके जो प्लांट हैं इतनी ही हेल्दी रहेंगे और इतनी ही भरकर ये ब्लूमिंग आपके गार्डन में करेंगे। तो दोस्तों पहली बात तो यही सैंडी सॉइल हमें रखनी चाहिए, इनकी सैंड में भी ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। 20% ले लीजिए दोस्तों आप, थोड़ा थोड़ा जितना आपका पोट है उस हिसाब से थोड़े थोड़ा आप सैंड ले लें दोस्तों, गोबर खाद ले लें और साथ में मिट्टी ले लें नॉर्मल गार्डन वाली। तो दोस्तों इसी से ही ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेंगे और काफ़ी प्यारी ब्लूमिंग करेंगे। और दोस्तों दूसरी बात के इनका जो पॉट साइज है दोस्तों, ये छोटे छोटे पॉट में काफ़ी आसानी से ग्रो होते हैं, तो ये मैंने तो बड़े बकेट में इनको ग्रो किया है, देख सकते हैं काफ़ी बड़े हैं ये, काफ़ी बड़ी हाइट है इनकी। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे लगेंगे इसमें, मैंने इस मकसद से इसको इसमें ग्रो किया है। और इधर देख सकते हैं इसमें मेरे 3 प्लांट हैं दोस्तों, एक चिल्ली का प्लांट है मैंने इसको रहने दिया, और ये मेरा विनका है हाइब्रिड वाला, मैंने इसको भी इसमें रहने दिया क्योंकि इन्हें ज़्यादा बड़े पॉट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो मेरे जो प्लांट है मैंने सोचा ये भी रहने देता हूँ मैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मैंने आज इनको रिपोर्ट कर लिया है। तो दोस्तों इन प्लांट को हमें फुल सनलाइट में रखना चाहिए, जितनी फुल सनलाइट में हम रखेंगे दोस्तों तभी ये फूल अच्छे से खिलेंगे इनके और अच्छे से ब्लूमिंग करेंगे। और दोस्तों इनको वाटरिंग जो है तभी दें जब इनकी सॉइल एकदम से ड्राई हो जाए, तो ज़्यादा वाटरिंग ना करें, वाटरिंग करते टाइम ध्यान रखें जब आपको इनकी सॉइल ड्राई लगे दोस्तों तभी इसमें वाटरिंग करें, नहीं तो बिल्कुल ना करें। और साथ में इनकी डेड हेडिंग कर देनी चाहिए, जैसे कि ये जो फूल है दोस्तों इसको हटा देना चाहिए एकदम स्पेंट होने के बाद, ताकि ये जो दोस्तों फिर अपना जो एनर्जी है दोस्तों इसमें सीड बनाने में लगाने लगते हैं, तो ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती इस वजह से भी। तो समय समय पर आपको ये चेकआउट करते रहना चाहिए, जो फूल खिल जाए दोस्तों उनको तुरंत हटा दें, जैसे मैंने अभी बताया था इस तरह से पिंच करते रहने चाहिए। और दोस्तों इस प्लांट को बूसी करने के लिए पिंचिंग भी करती रहने चाहिए। तो अभी तो ये मैंने ऐड किए हैं अपने गार्डन में, थोड़ा सा इनको टाइम देता हूँ एडजस्ट होने का, उसके बाद जैसे जैसे ही ग्रोथ करेंगे दोस्तों वैसे वैसे हम इनकी केयर करेंगे। तो अभी तो स्पेंट से हो रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं मैंने अभी इनको रिपोर्ट किया है इसमें। तो इधर ये डायंथस हैं दोस्तों, ये काफ़ी सुंदर फ्लावर होते हैं और परमानेंट भी होते हैं दोस्तों, अगर ये बच जाए तो बच जाते हैं, बारिश से थोड़े ख़राब हो जाते हैं, नहीं तो बच जाते हैं दोस्तों। देख सकते हैं तो ये फ्लावर होने के बाद इस तरह से ये इनके सीड बनने लगते हैं, तो इनको हटा दें अभी, हमें सीड नहीं चाहिए और हम चाहते हैं हमारा प्लांट जो एकदम गुस्सी हो। तो देख सकते हैं मैंने इस तरह से इनकी डेड हेडिंग कर दी है, तो इसी तरह से हमें समय समय पर इनकी डेड हेडिंग का ध्यान रखना चाहिए।
तो जिससे कि ये काफ़ी अच्छी न्यू ग्रोथ करेंगे और न्यू वर्ड्स बनाएंगे और न्यू न्यू एकदम से ब्लूमिंग करेंगे दोस्तों, तभी हैवी ब्लूमिंग इन पर आएगी। और इनकी सॉइल में दोस्तों समय समय पर क्या फर्टिलाइजर दें, तो आप मस्टर्ड ऑयल दे सकते हैं दोस्तों। मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसका फर्टिलाइजर्स में दे सकते हैं हफ्ते में एक बार। तो अभी तो मैंने इनको ग्रो किया, अभी कुछ नहीं दिया, सिर्फ मैंने काऊ डंग के इनको दिया हुआ है साथ में। तो अभी मैं थोड़ा सा इनको 1 या 2 दिन दोस्तों शेडी एरिया में रखूँगा ताकि ये थोड़े से ठीक से हो जाए, एडजस्ट हो जाए यहाँ। उसके बाद हम इनको फुल सनलाइट में रख देंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे प्लांट होते हैं। अगर आपको मिले दोस्तों तो ज़रूर लें, क्योंकि ये जो अक्टूबर मंथ है दोस्तों, इसमें अगर हम इनको ग्रो कर लेते हैं तो दोस्तों जब तक इनका सीज़न रहेगा तब तक ये काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग करेंगे और काफ़ी अच्छी इनकी ब्लूमिंग होती है। पिटूनिया प्लांट को दोस्तों सर्दियों का राजा कहा जाता है, तो ये बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करता है। तो हो सके तो जल्द से जल्द इन प्लांट को नर्सरी जाएँ और लेकर कराएं और अपने गार्डन में ऐड करें दोस्तों। इन्फॉर्मेशन ये अच्छा लगा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी कर देना अपनों में। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता रहूँगा मैं ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए, अपने गार्डन का भी और अपने अपनों का भी। तो दोस्तों मिलेंगे फिर कभी। ओके, गुड बाय।